जब ये CAA, NRC और LPR को लागू करने के लिए अपने मनमाने तरीके से केंद्र की सरकार ने कदम उठाए थे और ये एक्ट बनाया था पार्लियामेंट के माध्यम से, उसके बाद आप सभी को याद होगा मैं और चंद्रशेखर साहब जब जामा मस्जिद पे गए थे तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो आज एकदम जीवंत हो गई है हमारी बात कही, और वो बात ये कही गई थी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी का तो सिर्फ बहाना है, असल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की ये एक तरीका है जिसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं बल्कि SC ST OBC की जो कम्युनिटीज हैं और दूसरी जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी सिटीजनशिप को भी डाउट में डालने के लिए ये CAA, NRC और LPR की एक्सरसाइज शुरू की जा रही है, ताकि संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी सुरक्षाएं प्रदान की थी इन वीकर सेक्शंस को, कमजोर तबकों को, जैसे कि रिजर्वेशन और दूसरी चीजें, उन सभी के ऊपर हमला है। जैसे ही सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े होंगे CAA और NRC के द्वारा, उसी के साथ साथ SC ST OBC समाज के लोगों की सभी जो सुरक्षाएं हैं, संवैधानिक सुरक्षाएं, वो भी खतरे में आ जाएंगी, और इसीलिए सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। जामा मस्जिद 20 दिसंबर के बाद आपने देखा कि पूरा देश 85% से ज़्यादा जनता सड़कों पे है, और केंद्र सरकार ने अपनी जो मंशाएं थी वो कोई छुपी हुई नहीं रखी है। उत्तर प्रदेश में जो कानून अभी उत्तराखंड में लागू किया गया था, और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये 2012 से ये जो किया गया था विनोद कुमार की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, अभी वो वही कानून है जो पूरे उत्तर प्रदेश में भी लागू होना है, और वो वही कानून अडॉप्ट किया गया था उत्तराखंड सरकार ने भी। उसके लिए एक कमेटी बनी थी नागराज की जो जजमेंट है रिजर्वेशन के लिए, कि उसमें ये सर्वे किया जाना चाहिए कि इनएडिक्वेसी SC ST और OBC की कितनी सरकारों में है, उसी हिसाब से रिजर्वेशन और प्रमोशन दी जानी चाहिए। वो एक्सरसाइज 2012 तक उत्तराखंड सरकार ने पूरी की थी, और उसमें ये फाइंडिंग भी आई थी कि हाँ इनकी रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC की कम है, इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए प्रमोशन में भी और एंट्री लेवल पे भी। उसके बाद आर्बिट्ररी तरीके से 2012 में एक फैसला किया गया कि बावजूद इसके कि ऐसी फाइंडिंग आई है डेटा में, इसको ख़त्म करना है रिजर्वेशन, और उसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो BJP की तरफ से लॉयर्स अपीयर हुए, जिन लॉयर्स ने, जो BJP के आइडेंटिफाइड लॉयर हैं, आप लोग सब जानते हैं जजमेंट में लिखा हुआ, वो लोगों ने सरकार की तरफ से पेश होकर ये कहा कि बावजूद इसके के जरूरत है, बावजूद इसके के नागराज की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा सानी के बाद, जरूरत है प्रमोशन की, इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है SC ST और OBC की, उसके बावजूद भी जो सरकार ने फैसला किया रिजर्वेशन नहीं देनी है वो ठीक है, क्योंकि संविधान और कानून ये नहीं चाहता। ये झूठी जो उन्होंने बात कही थी कि रिजर्वेशन मिले, ये सरकार का हक होना चाहिए पूरा, चाहे कितनी भी जरूरत हो रिजर्वेशन मना की जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कोई पावर नहीं है कि इसके ऊपर वो इंटरफेरेंस करके रिजर्वेशन दिला सके। यहां तक की बातें BJP की सरकार के बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वही बात मान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जरूरत है, मानी जाएगी ये बात संवैधानिक तरीके से रिसर्च करके कि जरूरत है रिजर्वेशन की, उसके बाद भी सरकार का ये राइट है कि वो मनुवादी मानसिकता की वजह से ये कहेगी कि रिजर्वेशन नहीं दी जानी है, और कोर्ट ने भी ये कह दिया आज कि हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके बाद से जितने भी शाहीनबाग, जितने भी प्रोटेस्ट CAA NRC के लिए हो रहे हैं, अब वहाँ पे हम लोगों ने, हम प्रेस हैंडआउट भी दे रहे हैं, जो अब थीम रहेगी वो ये रहेगी कि हम संविधान बचाने के लिए ही बात कर रहे थे CAA NRC के लिए भी, के टाइम पे भी, अब आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, दूसरा CAA NRC हटाओ संविधान बचाओ, यानी कि ये दोनों इश्यूज जो है संविधान के ऊपर ही अटैक है, रिजर्वेशन हटाना भी संविधान के ऊपर अटैक है और CAA NRC भी संविधान के ऊपर अटैक है। अप्रोच रूप से रिजर्वेशन हटाने के लिए भी CAA NRC का प्रयोग किया जा रहा है, ये जो सरकार की साजिश थी एकदम इसका पर्दाफाश हो गया है।
और इसके लिए देश की 85% से ज्यादा जनता अब साथ है और इस सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि ये जो इनकी धोखेबाजी है अब बिल्कुल नहीं चल पाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ।